सिद्धारमैया के राज में ना मिला हॉस्पिटल और ना ही मिली एम्बुलेंस। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली कर्नाटका सरकार के सीएम सिद्धारमैया के विकास की पोल उस वक्त खुल गई जब एक हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में कॉल करने पर ना ही एम्बुलेंस मिली और ना ही 50 किलोमीटर तक कोई भी हॉस्पिटल। गुलबर्गा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर हुए इस एक्सीडेंट में पूरा परिवार बाल बाल बच गया, परंतु एक महिला की हालत इस पूरी दुर्घटना में गंभीर बनी हुई थी। जब जन की बात की टीम ने इस एक्सीडेंट को देखा तो तुरंत मानवता और इंसानियत के नाते बिना देरी किए जख्मी महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव में लाखों रुपए खर्च करके, जनसभा करके और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार जब सरकार और पद पर आते हैं तो क्या वो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ही भूल जाते हैं? रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट्स को मैंने देखा, बहुत पब्लिक वहाँ मौजूद थी लेकिन किसी ने भी किसी की हेल्प करने की कोशिश नहीं की। जन की बात की टीम जब वहाँ पहुँची है तो जन की बात ने देखा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और हमने तुरंत वहाँ पर कहा कि एम्बुलेंस बुलाई जाए। मैंने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन किसी भी एम्बुलेंस से कनेक्शन नहीं हो पाया मेरा। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एम्बुलेंस को बुला लिया है, लगभग 10 से 15 मिनट हो गई हैं, लेकिन कोई एम्बुलेंस यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये किस प्रकार से जो है कांग्रेस ने और सिद्धारमैया सरकार ने है जो विकास की नींव रखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात, नजदीक 70 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं बिदर जा रहा था रास्ते में और बिदर रास्ते में जाने के बाद मैं वापस गुलबर्गा जा रहा हूँ, गुलबर्गा हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं। ये एक बच्ची यहाँ रो रही है, देखिए आप, ये बच्ची है, ये रो रही है, अपनी मम्मी के लिए रो रही है। पीछे पेशेंट है मेरे ठीक पीछे पेशेंट है। मैं लेके अभी कंडीशन उनकी इतनी क्रिटिकल है कि मैं कुछ भी आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। कांग्रेस आप विकास की ढोल पीट रही है यहाँ पर, लेकिन 70 किलोमीटर के एरिया में इमरजेंसी के रूप में कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सिद्धारमैया सरकार ने अपने राज्य के दूर दराज इलाकों में अभी तक इमरजेंसी मेडिकल सेवा और हॉस्पिटल तक की सुविधा नहीं दी है।